हेलो बच्चों, सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स reproductive organs in male, क्योंकि male की ही discussion चल रहा है तो इसमें कौन से हो जाएंगे, इन्हें हम two parts में divide कर सकते हैं. One is tubular structure जिसमें कि tubules are present, and second is reproductive glands. Okay बच्चों, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. तो ये रही टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि पढ़ चुके हैं हम. आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज स्क्रॉटम. फ्रॉम द टेस्टिस ओरिजिन ऑफ रेटी टेस्टिस. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, which form a fine network like structure. Okay, and from the reti testis there is origin of vasa efferentia. Let me take out some more pens. Okay, kahan hain bhai tum log, bahar niklo sare ke sare. Ye okay, to inse kya niklengi, 10 to 15 fine structures, and they form the highly coiled structure which is known as, which is located at the posterior side of testes, and it is epididymis. At the posterior side of epididymis there is origin of what? Origin of vas deferens. Is tarike se jayegi aur yahan open ho jayengi isme kya डक्ट, और ये यूरिथ्रा में इस तरीके से ओपन हो जाएगी. ओके बच्चों, लेट्स लेबल इट. तो ये वाले पार्ट्स तो हमें पता ही हैं कि दिस इज स्क्रोटम, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हैंडी डायग्राम होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम डायग्राम बनाने में वेस्ट कर दो. ओके, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 दिखाई दे रही हैं. 2 to 3 क्या प्रेजेंट होंगी, ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. तो ये हो गई हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें कि इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आर प्रेजेंट. ये रही आपकी रेटी टेस्टिस, और ये इसका नेटवर्क, और ये रही आपकी वासा डिफरेंशिया. दिस इज एपिडिडाइमस एंड दिस इज वास डिफरेंस. ओके, यहाँ यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगी. ओके बच्चों, तो व्हाट आर रेटी टेस्टिस, डायग्राम दिखाई दे रहा है ठीक है, तो इस डायग्राम को हम यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे, और यहाँ से हम डिस्कस करते हैं. तो व्हाट आर रेटी टेस्टिस, जो कि ये वाला पोर्शन है हमारा. रेटी टेस्टिस आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इसमें ओपन होंगे. ओके, तो ये इसमें ओपन हो रही है, किसमें ओपन हो रही है, ये सारी की सारी हमारी दीज स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू ओपन इन टू रेटी टेस्टिस, ऐसे करके कर लेते हैं. तो इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द रेटी टेस्टिस, that the seminiferous tubules open into reti testis, and what are these, these are the small network of fine ductals. Okay, small network of fine ductals, patle pen se likh lete hain, easy rahega. Small network of fine ductals, and kya karenge, they
सर्व टू कलेक्ट स्पर्म्स फ्रॉम, कहाँ से कलेक्ट करेंगे भाई? यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये कलेक्ट करके यहाँ गया, तो यहाँ किसको देने वाले हैं? वासा इफ्रेंशिया को, ओके, एंड पास्ट टू वासा इफ्रेंशिया। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके, तो ये इनका फंक्शन हो गया। देन आफ्टर हमारी कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों? दिस वन, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज वासा इफ्रेंशिया। ये भी 10 टू 20 वेरी स्मॉल फाइन ट्यूब्यूल्स हैं ये, कितनी 10 टू 20। ये नंबर्स वगैरह थोड़े से याद करने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नहीं है। वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स एंड कैरी स्पर्म्स फ्रॉम वासा इफ्रेंशिया, नहीं, फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू, कहाँ? एपिडाइमिस। इज दैट क्लियर? कि ये इनसे लेंगी और कहाँ डाल देंगी? एपिडिडाइमिस में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है बच्चों, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों है बड़ा इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ कई सारे काम होने वाले हैं। एपिडिडाइमिस, ओके, फर्स्ट थिंग इट इज द लॉन्ग ट्यूब, ओके, स्मॉल, लॉन्ग तो है लेकिन नैरो है, ओके, तो इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब, ओके, इट इज वेरी नैरो ट्यूब, जितनी लंबी होती जाएगी उतनी नैरो होती चली जाएगी, एंड लाइंग ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस, ओके, एंड इट हैज 3 पार्ट्स, 1, 2, 3। एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट्स होंगे, एक ये पार्ट हो जाएगा, एक ये पार्ट हो जाएगा, और एक ये पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से हो गए? कैपुट एपिडिडाइमस, फिर कौन सा हो जाएगा? कॉर्पस एपिडिडाइमस, और थर्ड हो जाएगा बच्चों आपका कॉर्डल एपिडिडाइमस। तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। कैपुट मींस कि एंटीरियर पार्ट, कॉर्पस मिडिल, कॉर्पस मींस जो मेन बॉडी को बनाए, ठीक है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम तो बल्क ऑफ सेल्स है, ठीक है, कॉर्पस है हमारे पास में, तो कॉर्पस कैलोजम जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। एंड थर्ड इज कॉडल, कॉडल मींस टेल लाइक स्ट्रक्चर, कॉडा इक्विना, हॉर्स की टेल को बोलते हैं ना, कॉडा इक्विना। तो यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन है वो कॉर्पस बनेगा और कॉडल बनेगा कौन सा पोर्शन? लेटर, यानी कि लास्ट पोर्शन रहेगा, ओके, तो लोअर मोस्ट पार्ट। इससे ही क्या निकलने वाली है आपकी? वास डिफरेंस, ओके, तो ओरिजिन ऑफ वास डिफरेंस आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, दैट इज नोन एज कॉडल एपिडिडाइमस, ओके। अब जब यहाँ स्पर्मेटोजोआ एंटर होंगे, मींस व्हेन स्पर्मेटोजोआ एंटर्स द एपिडिडाइमस, स्पेशली इन द अपर कैपुट रीजन, दे आर इमोबाइल, कीप माई पॉइंट इन माइंड, ओके, व्हेन स्पर्मेटोजोआ एंटर्स द एपिडिडाइमस दे आर इमोबाइल, ओके, बट व्हेन दे लीव एपिडिडाइमस टू एंटर द वास डिफरेंस, ओके, दे आर मोटाइल, यानी कि जो मोबिलिटी है वो स्पर्म कहाँ अटेंड कर रहे हैं? एपिडिडाइमस में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट ऑल्सो स्टोर द स्पर्म्स एंड नरिशेज द स्पर्म्स, ओके, एंड नरिशमेंट, दैट मीन्स कि नरिशमेंट इज एसेंशियल फॉर अटेनिंग मोबिलिटी। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो आपका एपिडिडाइमस है, ये एपिडिडाइमस में स्पर्म जब आ रहे हैं, दे आर इमोबाइल, नॉन मोटाइल, ओके, दे कैन नॉट मूव, बस प्रेशर से यहाँ कलेक्ट होते जा रहे हैं। अब ये यहाँ 2 से 3 दिन रुकेंगे, कैपुट रीजन, कॉडल रीजन, कैपुट, कॉर्पस और कॉडल रीजन में। That time they will get nourishment
epididymis will also store sperms and then after when they leave the sperm, sperm यहाँ से छोड़ करके यहाँ आने लगेंगे, ये आने लगेंगे तो ये कैसे होंगे बच्चों, दे विल बी मोटाइल, यानी कि मोबिलिटी स्पर्म्स को कहाँ गेन हो रही है, कहाँ अटेंड कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग मोबिलिटी इन टू द एपिडिडाइमस, इज दैट क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन आफ्टर, समझ में आ गया. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस, सीधी सी बात, ओरिजिनेट फ्रॉम दी या अराइज फ्रॉम दी लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, अराइज फ्रॉम दी लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस. ओके बच्चों, एंड जैसे इसमें सेमिनल वेसाइकल ओपन होगी, यहाँ यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ सपोज कि हमारी एक डक्ट है, दैट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल. जब ये सेमिनल वेसिकल इसमें ओपन हो जाएगी तो इससे आगे इतनी जो है पोर्शन, दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट. यहाँ मैं समझाने के लिए बना रही हूँ बस. तो ये वास डिफरेंस में जैसे ही आपकी सेमिनल वेसिकल ओपन होगी, इट इज नोन एज नाउ इजैकुलेटरी डक्ट. तो अब बाकी के बारे में, हमारी ग्लैंड्स बची है ना, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.